ब्रजवासियों के हृदय का प्रेम बह रहा है और इसी प्रेम सरिता में निमज्जन करने के लिए श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं। जब नहीं थमा ये आनंद ग्वाले गावे गोपी गावे ग्वाले गावे गोपी गावे प्रेम मगन कछु कहत न पावे प्रगटे और तब से लेकर अब तक उनके भक्तजनों के लिए उनके रसिकजनों के लिए नित्य बधाई है। श्री ठाकुर जी की प्रत्येक लीला नित्य है और हृदय में जब आनंद उल्लास समाता नहीं उमाता नहीं तभी उमड़ता है, उमड़ता है तो चित्त की वृत्ति का उत्थान होता है।
और 6 महीना तक नंदोत्सव चला। ब्रजवासियों के हृदय का आनंद समाता नहीं। ये कृष्ण चंद्र हैं, इनकी कला प्रतिक्षण बढ़ती है, प्रेम स्वरूप है सब प्रतिक्षण वर्धमानम। वजे वधाई सयो नंद दे दरबार, ये बधाई मेरी तरफ से। अच्छा चलो मेरी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से। पर तुमको साथ में गाना पड़ेगा, ताली पटकानी पड़ेगी। कैसे? ऐसी ताली तो जब बजे तो मदारी खेल दिखावे। एक साथ बजनी चाहिए, ब्रज की गोपांगनाओं की विशेषता है कि गंवार नहीं है गोपांगनाएं, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी गाती हैं। तो जन्म भर प्रयास किए हुए मुनि गणों का वेद पाठ भी नीरस प्रतीत होता है। श्याम सुंदर की बलैया लेती हैं तो कर्म कांड फीका मालूम पड़ता है, असार जान पड़ता है। उन गोपांगनाओं की कोख में, उन गोपांगनाओं के गोष्ठ प्रकोष्ठ में, उन गोपांगनाओं के आंगन प्रांगण में खेलने के लिए ये आए हैं एक साथ मिलके। समय में थोड़ा विलंब हुआ, कल ठीक 3:30 बजे मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। 2 ही दिन का समय है मेरे पास, तो आप सब लोग समय से आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और ये जो 20-20, 50-50 के नोट तुम यूं झुलाते आते हो ना ठाकुर जी की बधाई में, ये कथा दाता है, ये
कथा कहने सुनने वाले को तृप्त करती है, परिपूर्ण करती है। सत्संग में बैठने का और प्रभु के उत्सव में सम्मिलित होने का अदब सीखना चाहिए। यहाँ केवल केवल और केवल आपके प्रेम और आपके भाव की आवश्यकता है। कृपा करके पधारे, हमने सोचा 2 मिनट, पर आज समय का अतिक्रमण हो गया। आने वाले 2 दिन महाराज श्री का भी आशीर्वचन मिलेगा, और आया कोई कैसे भी हो, पर जाना तो सबको वाह वाह करते चाहिए। आनंद कंद प्रकट हुए हैं और सब यही कहते जाना, मैं जन्म जन्म को सब आशीष देते हुए।